الرحيم. अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है दोस्तों सब खैर और आफियत से होंगे। आज दोस्तों हमारा बूटस्ट्रैप 4 कलेक्शन नंबर 31 है, जिसमें हम फॉर्म वैलिडेशन करना सीखेंगे। इससे पहले लेक्चर्स के अंदर हमने बूटस्ट्रैप 4 की डिफरेंट क्लासेस को इस्तेमाल करते हुए फॉर्म क्रिएट करना सीखे थे। उसके बाद फिर हमने उसके अंदर इनपुट ग्रुप्स सीखे, इनपुट के डिफरेंट मीन क्लासेस सीखी, लेकिन हमने फॉर्म वैलिडेशन नहीं था किया। तो आज की इस वीडियो में हम फॉर्म की वैलिडेशन कवर अप करेंगे। लेकिन फॉर्म की वैलिडेशन को स्टार्ट करने से पहले एक बात आपको बताऊं कि फॉर्म की वैलिडेशन करने के लिए आपके पास बूटस्ट्रैप का ऑनलाइन CDN लिंक होना चाहिए, क्योंकि ऑफलाइन CDN लिंक के अंदर आपका फॉर्म वैलिडेशन की जो एडवांस क्लासेस हैं बूटस्ट्रैप 4 की, वो रन नहीं होती, वो काम नहीं करती। क्यों? क्योंकि जो ऑफलाइन CDN, जो ऑफलाइन आप लिंक यूज़ कर रहे हो, जैसे कि मैं ऑफलाइन लिंक यूज़ कर रहा हूँ, इस ऑफलाइन लिंक के अंदर प्रॉपर .js की फाइल मौजूद नहीं होती और ना ही jQuery की होती है। तो jQuery तो मैंने आपको बताया था, हमने jQuery, ये देखें jQuery इंक्लूड की हुई है, क्योंकि हमने jQuery, मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर के अंदर ही jQuery को डाउनलोड करना सिखाया था। लेकिन प्रॉपर .js एक फाइल नहीं है बल्कि एक पैकेज है, ठीक है। तो लिहाजा आप, इससे बेहतर तरीका यह है कि आप ऑनलाइन CDN लिंक बूटस्ट्रैप 4 का W3 स्कूल से की वेबसाइट से, या इसकी ऑफिशियल वेबसाइट बूटस्ट्रैप की getbootstrap.com से जाके CDN लिंक ऑनलाइन लेके आप इजीली ये सारा काम कर सकते हैं फॉर्म वैलिडेशन वाला, ठीक है। लेकिन ऑफलाइन के अंदर आपका ये फॉर्म वैलिडेशन काम नहीं करेगा। तो लेकिन फिर भी मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सारा समझा देता हूँ, आपकी मर्ज़ी, आप इसे ऑफलाइन ऑनलाइन में यूज़ करें या ना करें, वो आप पे फुली डिपेंडेंट है, ठीक है। तो चलें स्टार्ट करते हैं। तो हम ज़्यादा देर नहीं लगाएंगे, क्योंकि फॉर्म हमने ऑलरेडी बूटस्ट्रैप 4 की क्लासेस को इस्तेमाल करके क्रिएट करना सीखा हुआ है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर 2 br टैग ले लेता हूँ, ताकि मैं ऊपर 2 लाइन का ब्रेक ले सकूँ। अगर मैं 2 लाइन का ब्रेक नहीं करूँगा तो मेरा फॉर्म बिल्कुल टॉप के साथ चिपका हुआ आएगा। तो उसके बाद मैं यहाँ पे एक डिव ले लेता हूँ, जिसको मैं क्लास दे देता हूँ कंटेनर की। कंटेनर क्यों? कंटेनर इसलिए ताकि लेफ्ट, मेरा फॉर्म लेफ्ट और राइट से थोड़ा मार्जिन छोड़ दे, ठीक है। यहाँ तक आई होपफुली आपको क्लियर अप होगा। देन उसके बाद इसके अंदर मैं सबसे पहले एक हेडिंग लूँगा, तो यहाँ पर मैं H1 हेडिंग ले लेता हूँ, जिसको मैं यहाँ पर बूटस्ट्रैप 4 की क्लास दे देता हूँ टेक्स्ट सेंटर और टेक्स्ट प्राइमरी, ठीक है। इससे थोड़ा ये अच्छा लगेगा। देन मैं यहाँ पे लिखता हूँ फॉर्म वैलिडेशन बूटस्ट्रैप 4। देन यहाँ पे इसके बाद हम एक फॉर्म ले लेते हैं, तो ये मैंने फॉर्म का टैग ले लिया, और इस फॉर्म के टैग को मैं यहाँ पे बूटस्ट्रैप 4 की क्लास दूंगा फॉर्म, ठीक है। देन उसके बाद क्या करना है, हमने पहले सिंपली फॉर्म बनाते हैं जैसे हमने पहले देखा था, उसके बाद देन इसके ऊपर वैलिडेशन की क्लासेस ऐड करना सीखेंगे, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पे हम इसे एक एक्शन का देते हैं एट्रीब्यूट। इस एक्शन के एट्रीब्यूट में हमने जिस जगह पे एक्शन परफॉर्म करना हो, मीन जिस जगह पे इस फॉर्म का डाटा सबमिट करना हो, उस वो वाले पेज का नाम यहाँ पे देते हैं। तो अभी चूँकि हमारे पास कोई पेज नहीं है, तो सिंपल मैंने यहाँ पे हैश का सिंबल ले लिया। देन उसके बाद हमारा मेथड होता है कि हमने किस मेथड के थ्रू अपना डाटा सबमिट करना है, पोस्ट के जरिए या गेट के जरिए। पोस्ट अगर आप देते हो तो आपका डाटा जो है छुप कर, मीन नज़र नहीं आएगा, लेकिन अगर आप गेट देते हो तो आपका डाटा सारे का सारा URL बार के अंदर नज़र आएगा, ठीक है। यही फ़ायदा होता है। उसके बाद मैं यहाँ पे फॉर्म के अंदर आता हूँ, और यहाँ पे सबसे पहले मुझे क्या चाहिए, मुझे एक लेबल चाहिए। लेकिन लेबल से पहले आपको बताया था मैंने कि हमारे पास यहाँ पे इसे बूटस्ट्रैप 4 में अवेसम बनाने के लिए, अपनी हर इनपुट को अवेसम बनाने के लिए हमारे पास यहाँ पे एक क्लास होती है फॉर्म ग्रुप की। फॉर्म ग्रुप मीन, फॉर्म ग्रुप के अंदर जितनी भी आप चीज़ें लिखती हो वो सारा एक ग्रुप की फॉर्म में बन जाता है, ओके, एक ग्रुप की शेप बना देता है। तो यहाँ पर मुझे चाहिए एक लेबल, यूज़र नेम, और यहाँ पे मैं एक इनपुट टैग ले लेता हूँ जिसकी टाइप इक्वल टू ईमेल में रख लेता हूँ, ठीक है। देन उसके बाद नेम वाला एट्रीब्यूट नहीं चाहिए हमें, हमें प्लेस होल्डर चाहिए। यूज़र नेम,
देन उसके बाद हमें यहाँ पे एक क्लास चाहिए बूटस्ट्रैप 4 की, इसे ज़रा अच्छा बनाने के लिए। तो वो क्या है, फॉर्म कंट्रोल। फॉर्म कंट्रोल मीन कि आपकी इस इनपुट की जो विड्थ है वो उतनी सेट होगी जितनी आपकी फॉर्म की विड्थ है। ओके, देन उसके बाद मैं क्या करूँगा, उसके बाद देखें यहाँ तक हमारा ये क्लियर अप हो गया। देन मैं इसी डिप को कॉपी एंड पेस्ट कर लेता हूँ, ये कर लिया। देन इस जगह पे मैं लेबल देता हूँ पासवर्ड, पासवर्ड, और यहाँ पे ये लेबल मुझे यहाँ पे पासवर्ड, एक मिनट ठहरें, यहाँ पे पासवर्ड दे दिया। और यहाँ पे हम टाइप रख लेते हैं पासवर्ड, और यहाँ पे भी पासवर्ड। ये हो गया, ओके। देन उसके बाद ये एक तीसरी मेरी डिब है जिसको मैंने फॉर्म ग्रुप की टाइप दी है, और इसके टाइप में मुझे चाहिए यहाँ पे चेक बॉक्स, CHECK चेक बॉक्स। और यहाँ पे हमारे पास इसके अंदर क्लास होती है फॉर्म CHECK चेक बॉक्स इनपुट, ठीक है। अगर आपने चेक बॉक्स को अवेसम बनाना हो तो उसके लिए हमारे पास बूटस्ट्रैप 4 की क्लास होती है फॉर्म चेक इनपुट, ठीक है। देन ये लेबल मैं यहाँ पे यहाँ से कट कर देता हूँ, और इसे यहाँ पे अपने चेक बॉक्स के बाद लाता हूँ यहाँ पे, ठीक है। और इसके अंदर मैं लिख देता हूँ यू आर एग्री, ये लिख दिया। देन उसके बाद यहाँ पे हमें एक और डिव चाहिए जिसको हम एक क्लास दे देते हैं, कौन सी, फॉर्म ग्रुप। देन इसके अंदर दो बटन जिसके लिए मैं यहाँ पे इनपुट ले लेता हूँ, इनपुट टाइप इक्वल टू रीसेट, और वैल्यू, वैल्यू एक एट्रीब्यूट है, और इसके अंदर आप जो भी लिखते हो वो आपको उस इस बटन के ऊपर लिखा हुआ नज़र आता है। मैंने यहाँ पर लिख दिया रीसेट, और इसे ज़रा वैसा बनाने के लिए मैं बूटस्ट्रैप 4 की बटन की क्लास दूंगा जो कि है BTN। देन BTN के जो भी आपने कलर सेट करना है, तो BTN प्राइमरी डेंजर जो भी, तो मैं यहाँ पे प्राइमरी सेट कर देता हूँ, ये कर दिया, ओके। देन उसके बाद यहाँ पे मैं एक और इनपुट टाइप लेता हूँ इक्वल टू सबमिट, और ये मुझे नहीं चाहिए, यहाँ पे मुझे वैल्यू चाहिए सबमिट। और यहाँ पे मैं क्लास दे देता हूँ BTN, देन BTN सक्सेस, ठीक है, ये दे दिया, ओके। तो यहाँ तक ये होपफुली वो बिल्कुल क्लियर अप होगा। तो ये हमारा सिंपल फॉर्म जो है वो बिल्कुल रेडी है। अगर मैं आपको इसको दिखाऊँ तो ये आपको कुछ इस तरह से नज़र आएगा, ये मैं इसे करता हूँ रिफ्रेश, और ये देखें ये आपको कुछ इस तरह का फॉर्म नज़र आ रहा है, ओके। अब ये फॉर्म की विड्थ काफ़ी ज़्यादा है, हम चाहते हैं जब ये फॉर्म हमें लार्ज, एक्स्ट्रा लार्ज या मीडियम स्क्रीन में नज़र आए तब ये हमें थोड़ा इसकी विड्थ कम हो, तो उसके लिए सिंपल, हम आपको पता है हमने ग्रिड सिस्टम पढ़ा था बूटस्ट्रैप 4 में, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे इस फॉर्म से पहले एक डिव लेंगे, ठीक है। तो फॉर्म के ओपनिंग टैग से पहले मैंने एक डिव ली, और इस डिव को मैं क्लोज करूँगा फॉर्म के, फॉर्म से बाद, मीन इस जगह पे, ओके। देन ये मैं डिव क्यों ली है, इस डिव को मैं बूटस्ट्रैप 4 की, आपको पता है ग्रिड सिस्टम बनाने के लिए हम एक डिव लेते हैं, और इस डिव को बूटस्ट्रैप 4 की क्लास देते हैं रो की। सारी बात है ग्रिड सिस्टम क्या है, ग्रिड सिस्टम असल में आपके एक नंबर ऑफ कॉलम को रिप्रेजेंट करता है, ओके। तो कॉलम कब बनते हैं, जब आपकी रो होती है। तो पहले मैंने यहाँ पे एक रो ली, देन इस फॉर्म को अब मैं क्लास दूंगा बूटस्ट्रैप 4 की कॉलम की। तो मैंने कहा कॉल MD मीडियम डिवाइस के लिए, अब मैंने क्या कहा, मैं आपको पता है एक रो में कितने कॉलम होते हैं, बूटस्ट्रैप 4 में ग्रिड सिस्टम के अंदर 12 कॉलम होते हैं। तो मैं चाहता हूँ जब मेरा ये फॉर्म मीडियम डिवाइस, लार्ज डिवाइस या एक्स्ट्रा लार्ज डिवाइस में नजर आए तो ये 8 कॉलम की सिर्फ स्पेस ले। तो मैंने उसके लिए मैंने क्या किया, मैंने कहा कॉल MD मीडियम डिवाइस के लिए सिर्फ जस्ट के 8 कॉलम ले, ओके, 4 कॉलम छोड़ दे। देन अगर मैं आपको दिखाऊँ तो ये देखें अब आपको कुछ इस तरह से नजर आएगा, ये मैं इसे करता हूँ रिफ्रेश, और ये देखें ये आपका फॉर्म बिल्कुल छोटा हो गया। अब हम चाहते हैं ये यहाँ पे लेफ्ट की तरफ है, ये थोड़ा सेंटर में आए, तो इसलिए हम यहाँ पे, सॉरी यार, यहाँ पे हम यहाँ पे स्टाइल देंगे इसे, स्टाइल मीन्स CSS3 यूज़ करेंगे,
यहाँ पे मुझे ये नहीं चाहिए। ओके अच्छा, CSS3 के लिए दोस्तों हम यूज़ करेंगे इनलाइन स्टाइलिंग। तो इनलाइन स्टाइलिंग के लिए आपको पता है हम यहाँ पे स्टाइल का एट्रीब्यूट यूज़ करते हैं, देन उसके अंदर हम जो भी स्टाइल देना हो इसको, ठीक है। तो यहाँ मैं यूज़ करता हूँ मार्जिन, क्योंकि मुझे बिरूनी साइड से फासला चाहिए, मीन इस तरफ से देखें लेफ्ट की तरफ, मुझे इस फॉर्म का लेफ्ट की तरफ से फासला चाहिए। तो बिरूनी साइड से फासला लेने के लिए हम मार्जिन यूज़ करेंगे। मार्जिन कौन सा, अब देखें मैंने कहा मार्जिन ऊपर नीचे से 0 पिक्सल, लेफ्ट और राइट से 200 पिक्सल, ठीक है। तो ये ऑटोमेटिक लेफ्ट तरफ से मार्जिन छोड़ देगा। तो ये देखें मैं ये रिफ्रेश करता हूँ और ये देखें आपका फॉर्म बिल्कुल यहाँ पे सेंटर में आ चुका है। अब ये ज़्यादा प्यारा लग रहा है सिंपली, ओके सिंपल। तो यहाँ कहीं होपफुली अब वो बिल्कुल क्लियर अप होगा। अब देखें ये फॉर्म देखें बिल्कुल बूस्टर 4 के मुताबिक क्या, ओके ये देखें यहाँ पे आप करते हो, ये सबमिट करते हो, ये आपका डेटा सबमिट हो जाता है, ठीक है। अब हमने इसके ऊपर वैलिडेशन वाली क्लासेस लगानी है, तो वो कैसे हम ऐड कर सकते हैं, उसके लिए सिंपल आपने क्या करना है दोस्तों, अपने इस फॉर्म को, ये जो आपका फॉर्म का ओपनिंग टैग है, इसको क्लास देनी है, ठीक है। तो यहाँ पर ये देखें हमने क्लास का जो एट्रीब्यूट दिया हुआ है, यहाँ पर आपने इसे क्लास देनी है वाज वैलिडेटेड, ठीक है। ये बूस्टर 4 की एक एडवांस क्लास है जो क्या करती है, हमारे फॉर्म को वैलिडेट करती है, मीन उसके ऊपर वैलिडेशन ऐड करती है। तो उसके लिए हम क्या लिखते हैं, वाज वैलिडेटेड, ये क्लास आपने फॉर्म के ओपनिंग टैग के अंदर लिखनी होती है। देन उसके बाद हमने क्या करना है, उसके बाद ये करना होता है कि जितनी भी हमारी इनपुट टाइप्स हैं उन सब के ऊपर, मीन जिन जिन के ऊपर हमने वैलिडेशन लगानी होती है, उन सब के ऊपर हमने एट्रीब्यूट लगाना होता है, कौन सा भला, इसका HTML5 का रिक्वायर्ड, आपको मैंने बताया था रिक्वायर्ड करता है जिस इनपुट टैग को आप रिक्वायर्ड देते हो ना, जब तक आप उसे फिल नहीं करोगे तब तक आपका डाटा सबमिट नहीं होगा, ठीक है। तो यही मतलब होता है रिक्वायर्ड का, तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ रिक्वायर्ड, ये भी रिक्वायर्ड। तो मैं चाहता हूँ ये सारी की सारी मीन तीनों इनपुट रिक्वायर्ड हों, ये यूज़र नेम वाली भी, पासवर्ड वाली भी और चेकबॉक्स वाली भी, ठीक है। तो उसके लिए सिंपल आपने क्या करना है, सबसे पहले जिस इनपुट को आपने रिक्वायर्ड करना है उसको सबसे पहले रिक्वायर्ड का एट्रीब्यूट देना है, ये रिक्वायर्ड का एट्रीब्यूट दे दिया रिक्वायर्ड। देन उसके बाद मैं इसे कॉपी एंड पेस्ट कर लेता हूँ कंट्रोल सी, और इस जगह पे भी चेक बॉक्स के अंदर, तो सॉरी नहीं यहाँ पे तो नहीं, यहाँ पे करना था, ठीक है, पासवर्ड में भी कर दिया। करने के बाद अब देन आपने देखें, अब अगर मैं आपको सिंपली दिखाऊँ, ये रिफ्रेश करता हूँ और ये देखें, अगर अब आप सबमिट करते हो तो ये सबमिट नहीं हो रहा, क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि ये देखें ये आप गौर कर रहे हो, ये थोड़ा मैं इसे जूम करता हूँ आपकी आसानी के लिए, ये आप गौर करो, ये सबमिट आपका डाटा नहीं हो रहा, बल्कि आपको वो, ये देखो मैं सबमिट करता हूँ और आगे से वो आपको एक रेड कलर का आइकॉन आ गया, ठीक है। यही असल में क्या है, वैलिडेटेड है, फॉर्म वैलिडेशन है, बूस्टर 4 की एडवांस क्लासेस हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप भी फॉर्म वैलिडेशन कर सकते हो। उसके बाद आपने क्या करना है, अब आप चाहते हो कि, आपने अक्सर देखा होगा किसी वेबसाइट पर जब आप जाते हो तो आप जैसे ही सबमिट करते हो अगर कोई फील्ड खाली छूट जाए और वो रिक्वायर्ड हो, जैसे यहाँ पे ये देखें ये दोनों फील्ड रिक्वायर्ड है, तो अगर वो दोनों फील्ड्स हों रिक्वायर्ड, देन क्या होता है, नीचे एक मैसेज भी आ रहा होता है, ओके प्लीज़ फिल आउट दिस फील्ड, तो वो कैसे हम कर सकते हैं, वो भी मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। तो चलें देखिए, सबसे पहले आपने क्या करना है, जिस इनपुट फील्ड के नीचे आपने वो मैसेज लेके आना है, उस इनपुट फील्ड के नीचे आपने सिंपल एक डिव लेनी है, दो डिव ले लें आप, ठीक है, दो डिव ले लेते हैं। तो यहाँ मैं दो डिव ले लेता हूँ, ये देखें एक ट्रू मैसेज के लिए दो डिव इसलिए ली हैं, एक वो डिव जो मेरा, अगर मेरा इनपुट फील्ड खाली है तो ट्रू मीन रोंग जो मैसेज होगा, मीन जिसके अंदर आप लिखोगे प्लीज़ फिल आउट दिस फील्ड, वो दिखाएगी, और एक वो डिव, एक दूसरी वो डिव है जिसके अंदर हम वो मैसेज लिखेंगे जिसमें आपका अगर तो बॉक्स बिल्कुल फिल है और बिल्कुल ठीक आपकी आपने वैल्यू लिखी है, देन आपको एक मैसेज आएगा दिस वैल्यू इज़ ट्रू, ओके। तो देन हम यहाँ पे एक डिव ले लेते हैं और इसको बूस्टर 4 की हम क्लास देंगे। क्लास क्या है, क्लास हमारे पास ये है कि आपने यहाँ पर लिखना है वैलिड फीडबैक, ये क्लास है, और इस वैलिड फीडबैक के आगे आपने वो वैलिड मैसेज लिखना है, जो अगर आपकी फील्ड वैलिड होगी देन क्या मैसेज आए, थैंक यू। तो यहाँ मैं लिख दिया सिंपल थैंक यू, ये लिख दिया। देन जो दूसरी डिव है इसको मैं क्लास दूंगा इनवैलिड फीडबैक, कि अगर आपकी इनपुट इनवैलिड है तो देन यहाँ पे इनवैलिड फीडबैक वाला मैसेज चल जाएगा, और यहाँ पे लिखा आएगा प्लीज फिल आउट दिस फील्ड, ठीक है।
देन मैं क्या करता हूँ, इसी को दोनों डीप को कॉपी करके बाकी तमाम फील्ड्स के, बाकी तमाम इनपुट फील्ड्स के नीचे भी लिख देता हूँ। कंट्रोल सी कॉपी किया, देन मैं यहाँ पे आता हूँ और यहाँ पे भी पेस्ट कर दिया, और यहाँ पे इस लेबल के बाद भी, और इस लेबल के अंदर लिखते हैं थैंक यू प्लीज़ फिल आउट दिस चेक बॉक्स, दिस फील्ड नहीं दिस चेक बॉक्स, चेक बॉक्स, ठीक है ये लिख दिया। अब देखें अगर मैं इसको करता हूँ रिफ्रेश, ये रिफ्रेश किया और ये देखें दोस्तों आपने गौर किया कितना ये प्यारा लग रहा है। ओके तो ये देखें अब आपको मैं दोबारा से रिफ्रेश इसे करता हूँ और ये आपका कुछ इस तरह से आ रहा है, ये आपको दिखा रहा है प्लीज़ फिल आउट दिस फील्ड, क्यों, क्योंकि आपके ये अभी इनवैलिड है। इनवैलिड क्यों, क्योंकि हमने कोई वैल्यू नहीं दी। ये देखें मैं आप वैल्यू देता हूँ सर, जैसे मेरी वैल्यू पूरी हो जाएगी बिल्कुल ट्रू हो जाएगी, मीन बिल्कुल ठीक मैं वैल्यू दूंगा तो ऑटोमेटिकली ये मैसेज हाइड हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा एस एच ए एच फॉर एग्जाम्पल 20 ये @gmail.com। तो ये देखो जैसे ही मेरी चीज़ कंप्लीट हुई साथ ही क्या मैसेज आ गया थैंक यू, और साथ ही आपका बॉक्स ग्रीन हो गया। इस तरह मैं पासवर्ड देता हूँ 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो ये देखें थैंक यू ओके, तो कितना प्यारा, ये देखें कितना खूबसूरत लग रहा है। तो बिल्कुल आपकी ये फॉर्म बिल्कुल एडवांस इंटरनेशनल वेबसाइट की तरह बन गया। देन ये देखें मैं इसे चेक किया, ये भी यहाँ पर मैसेज आ गया थैंक यू, देन सबमिट करता हूँ, ये देखें ये आपका डाटा सबमिट हो गया, ये कुछ इस तरह से। तो ये दोस्तों आज की वीडियो जिसमें मैंने स्टेप बाय स्टेप ये देखा कैसे हम स्टेप बाय स्टेप अपना फॉर्म क्रिएट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ बूटस्ट्रैप फॉर अवेसम क्लासेस, और साथ ही हमने वैलिडेशन भी करना सीखी। तो इससे पहले मैं आपको चीज़ बताऊँ आज मेरा ये फॉर्म वैलिडेट क्यों हो गया, उस दिन वैलिडेट नहीं था हो रहा, ठीक है। जब मैंने उस दिन इसकी क्लास ये यूज़ की तब ये वैलिडेट नहीं था कर रहा, उसकी रीज़न मैं आपको बताता हूँ आपको, क्योंकि अभी ये तो आप कह रहे थे कि ये आप ऑफलाइन के ऊपर काम नहीं कर रहा, तो आप कैसे ये काम करने लग गया, ओके। उसकी रीज़न ये है कि मैंने अभी अभी बूटस्ट्रैप 4 की जो एडवांस लेटेस्ट क्लासेस आई हैं, मीन जो 4.5 वर्जन आया वो मैंने अभी अभी इंटरनेट से डाउनलोड कर, उसका जो फाइल है पूरी की पूरी वो डाउनलोड करके और यहाँ पे उसका लिंक यूज़ किया, ओके ऑफलाइन उसका ऑफलाइन लिंक यूज़ किया। तो अगर आपने, लेकिन मैंने जो फर्स्ट लेक्चर के अंदर आपको बताया था वो था 3.7 वर्जन का वर्जन फाइल थी, ठीक है, जो हमने डाउनलोड की थी। तो अगर तो आप बूटस्ट्रैप 4 की 3.7 वर्जन फाइल यूज़ कर रहे हो ऑफलाइन, फिर आपकी ये एडवांस क्लासेस काम नहीं करेंगी। लेकिन अगर आप जो है ना यूज़ कर रहे हो 4.5 जो अभी लेटेस्ट वर्जन आया बूटस्ट्रैप 4 का, जो अभी अभी आज मैंने भी इसे डाउनलोड करके इंटरनेट से तो इसे यूज़ किया, तो वो देखें वो एडवांस हमारी क्लासेस को सपोर्ट कर रहा है, जबकि प्रीवियस वर्जन एडवांस क्लासेस को सपोर्ट नहीं करते। तो अगर आप ऑफलाइन में यूज़ करना चाहते हो तो फिर आपको मैं यही रिकमेंड करूँगा कि आप भी 4.5 जो वर्जन अभी लेटेस्ट आया है उसकी फाइल आपको कहाँ से मिलेगी, getbootstrap.com की ऑफिशियल वेबसाइट से जाके, ओके। तो वहाँ से आप इसे ऑफलाइन जो है डाउनलोड कर लें और इसे यहाँ पर आके जो है ना सेटअप इसका वैसे सेम एज इंस्टॉल करेंगे जैसे मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप बताया था कि CSS की जो फाइल है वो आपने यहाँ इंक्लूड करवानी है, देन jQuery और JavaScript की जो फाइल है वो आपने यहाँ पे इंक्लूड करवानी है लास्ट पे जाके, मीन बॉडी के क्लोजिंग टैग से पहले। तो jQuery की पहले आपने फाइल इंक्लूड करवानी होती है और JavaScript की दूसरे नंबर के ऊपर। तो ये इसका सेटअप प्रॉपर मैंने आपको बता दिया। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और कुछ नया सीखेंगे। अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।